उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली आज किसी से भी नहीं छिपी है। सच कहें तो पहाड़ के अस्पताल आज रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जिसका खामियाजा आज फिर एक बार पहाड़ की एक बेटी को भुगतना पड़ा। जी हां, बागेश्वर जिले में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण एक छात्रा की जान चली गई। तो चलिए अब आपको पहाड़ के इस सिस्टम की लापरवाही और रेफरल प्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र का है, जहां पर बैजनाथ के हरबगड़ बंतोली गांव निवासी जीवन नाथ गोस्वामी की 14 वर्षीय पुत्री किरण गोस्वामी स्थानीय स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि बीते दिन जब वो जंगल में घास काटने गई तो इसी दौरान एक सांप ने उसे डस लिया, जिस पर उसके पिता मोहन सिंह मेहता और परिजनों संग उसे CHC बैजनाथ लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बागेश्वर के लिए रेफर कर दिया गया। जैसे तैसे परिजन उसे लेकर बागेश्वर जिला अस्पताल पहुंच गए, पर यहां भी हालत जस के तस देखने को मिले। बेहतर उपचार न मिलने के कारण छात्रा की लगातार बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अल्मोड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और मामला यही नहीं रुका, जिला अस्पताल अल्मोड़ा पहुंचने पर वहां से भी चिकित्सकों ने उसे देखा और हायर सेंटर सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल तो पहुंच गए, पर तीन जिलों का सफर तय करने के बाद किरण की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और सुशीला तिवारी में वो जिंदगी मौत की ये जंग हार गई और उसने सुशीला तिवारी अस्पताल में अंतिम सांस ली। किरण का दम टूटने के साथ ही परिजन बेटी को देखकर पूरी तरह से टूट गए। लेकिन अगर किरण को समय से बेहतर उपचार मिल चुका होता और इस तरह से उसको तीन अस्पतालों के चक्कर ना काटने के बजाय एक जगह पर उसका इलाज हो चुका होता तो आज इस तरह से उसकी मौत नहीं होती।